गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ कोमल सहानी, सीनियर लेक्चरर CTTM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, सब्जेक्ट निटिंग, सब्जेक्ट कोड है CT206, यूनिट नंबर 3, निटिंग सैम्पल्स बाय निटिंग मशीन, 3.2 सब टॉपिक इज फिगर निटिंग। फिगर निटिंग में हम सबसे पहले ये पढ़ने का प्रयास करेंगे दैट व्हाट डज फिगर निटिंग मींस एंड व्हाट डज वर्ड फिगर मींस। फिगर इज अ ज्योमेट्रिक फॉर्म और एन ऑब्जेक्ट नोटिसेबल ओनली एज अ शेप और फॉर्म, अ डायग्राम और अ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन ऑफ टेक्सचुअल मैटर। आकृति एक ज्यामितीय रूप है या केवल एक आकृति या रूप के रूप में ध्यान देने योग्य वस्तु या पाठ्य सामग्री के आरेख या सचित्र चित्रण को कहा जाता है। कलर निटिंग टेक्निक्स, अब क्या है कि जब हम निटिंग को हम एक रंग से यानी यार्न, जब हमारा जो होता है एक बॉल यार्न का जो बॉल होता है वो अगर केवल एक रंग का होता है तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के निटिंग टेक्निक्स को आप प्रयोग कर सकते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के हम फैंसी स्टिचेस को निर्मित कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको विभिन्न रंगों के धागों से या ऊन से जब हम निटिंग करते हैं तो वह कलर निटिंग कहलाता है और उसी के अंदर हमारा आता है फिगर निटिंग। तो फिगर निटिंग जो होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है, वो बहुत प्रकार की होती हैं और यहाँ पर हमने कलर निटिंग की टेक्निक्स को समझने का प्रयास किया है। पहला है मल्टी कलर्ड यार्न, सेकंड इज स्ट्राइप्स और ये सिंगल कलर्ड भी हो सकती है एंड मल्टी कलर्ड, थर्ड इज डुप्लीकेट स्टिच और स्विस डार्निंग, फोर्थ इज फेयर आयल और स्ट्रैंडेड निटिंग। Stranded knitting, also sometimes referred to as fair isle, is a relatively easy way to work two colors into the same row of knitting. Fifth is inertia knitting or picture knitting. Sixth is entrelac knitting. Seventh is shadow or illusion knitting. Eighth is mosaic knitting. It is a slip stitch knitting. This technique is also known as a mosaic knitting. And ninth is the combining the stripes and pattern. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टी कलर यार्न नेटिंग। मल्टी कलर यार्न नेटिंग में मैंने यहाँ पे देखिए पिक्चर के माध्यम से समझाया है कि जब बॉल में जो होता है जो एक सिंगल यार्न का जो बॉल होता है वो बहुत रंगों के माध्यम से निर्मित किया हुआ होता है और उस बॉल से जब हम नेटिंग करते हैं तो इस प्रकार से हमें एक डिज़ाइन मिलता है, तो इसे भी हम कहते हैं फिगर नेटिंग। तो निटिंग विथ मैनी कलर्स इन अ सिंगल यार्न बॉल यानी एक ही यार्न बॉल में कई रंगों के साथ बुनाई करना इज़ नोन एज मल्टी कलर्ड यार्न निटिंग। तो ये भी हमारा एक फिगर निटिंग का पार्ट है। तो ये हमारा सबसे पहला हमारी कलर निटिंग की टेक्निक है। सेकेंड इज अ स्ट्राइप निटिंग है जिसमें हमने लॉन्ग नैरो बैंड और स्ट्रिप डिफरिंग इन कलर और टेक्सचर फ्रॉम द सर्फिस ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ये सिंगल कलर्ड भी हो सकता है एंड इट कैन बी मल्टी कलर्ड। एक लंबी संकरी पट्टी या पट्टी जिसकी दोनों ओर सतह से रंग या बनावट में अंतर होता है, ये एकल रंग में भी बनाया जा सकता है या बहु रंग में भी निर्मित किया जा सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाली क्लिपिंग में फ़ोटो में आप देख सकते हैं इसमें ब्लू एंड इस तरह की सिंपल स्मूथ बनाया है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हमने देखा है कि इसको पैटर्न के साथ धारियां बनाई हैं और जो कि शेवरॉन इफेक्ट में है और जिगजैग लाइंस में स्ट्राइप्स में बनाया गया है। थर्ड इज अ डुप्लीकेट स्टिच और अ स्विस डार्निंग है। स्विस डार्निंग आल्सो नोन एज अ डुप्लीकेट स्टिच एंड इज अ ग्रेट वे टू ऐड स्मॉल डिटेल्स टू योर निटिंग। इट वर्क्स बाय कवरिंग अ स्टिच विद एन एम्ब्रॉयडरी स्टिच द सेम शेप एज द स्टिच बीनीथ इट। स्विस डार्निंग जिसे हम डुप्लीकेट सिलाई के रूप में भी जाना जाता है अपनी बुनाई के लिए छोटे विवरण जोड़ने का एक शानदार तरीका है। यह एक कढ़ाई के साथ एक सिलाई को कवर करके काम करता है जो इसके नीचे सिलाई के समान आकार का होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम बुनाई करते हैं तो हम पहले पूरा वस्त्र जो होता है वो प्लेन बना लेते हैं
और उसके बाद हम नीडल थ्रेड के माध्यम से उसी शेप में, यानी जैसे वेल्स की शेप में ही हमने, देखिए ये जो वी शेप का जो हमारा बना हुआ है वेल, उसमें हम इसको एम्ब्रॉयड्री के माध्यम से उसकी आकार दे देते हैं। और यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमने डुप्लीकेट ऑस्ट्रिच डार्निंग से बनाया है। तो ये जो होती है ये बिल्कुल इतना रियल रिजेंबल होती है, और ये बिल्कुल भी इसमें कई बार हमको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये हमने निटिंग के दौरान इसे बनाया था या फिर ये ऊपर से बनाया गया है। और ये सतह पर निर्मित की जाती है। फोर्थ इज़ फेयर आयल और स्ट्रैंड निटिंग है। फेयर आयल इज़ अ ट्रेडिशनल निटिंग टेक्निक है, यूज टू क्रिएट पैटर्न्स विद मल्टीपल कलर्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर फेयर आयल, वन ऑफ द शेटलैंड आइलैंड्स। फेयर आयल एक पारंपरिक बुनाई तकनीक है जिसका उपयोग कई रंगों के साथ पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, और इसका नाम शेटलैंड द्वीपों में से एक फेयर आयल के नाम पर रखा गया है। अब फेयर आयल एक परंपरागत निटिंग तकनीक है, और इसमें क्या होता है कि जब हम निटिंग करते हैं तो बहुत सारे जो रंग होते हैं बेस कलर के साथ साथ में चलते हैं, और ये लगातार पूरी पंक्ति में चलाए जाते हैं। और इस तरह से इसमें हम आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के जो डिज़ाइन होते हैं वो थोड़े इंट्रिकेट टाइप के होते हैं और उनको बनाया जाता है इसमें। फिफ्थ है इनर्शिया निटिंग और पिक्चर निटिंग। अ मेथड ऑफ निटिंग विद अ नंबर ऑफ कलर्स इन विच द सेपरेट लेंथ ऑफ बॉल ऑफ यार्न इज यूज फॉर ईच एरिया ऑफ कलर एज अपोज टू डिफरेंट यार्न्स बीइंग क्रिएटेड कैरिड एट द बैक ऑफ द वर्क। Inertia is a knitting technique used to create pattern with multiple colors, as with the woodworking techniques of the same name, field of different colors and materials appear to be inlaid in one another, fit together like a jigsaw puzzle. अब ये हम क्या करते हैं, इसको भी कई रंग के माध्यम से करते हैं, और लेकिन जो भी हम इसमें पिक्चर बनाते हैं उसका बॉल अलग ही होता है, वो दूसरे वाले यान के साथ पूरी पंक्ति में नहीं चलता है। जहाँ उसकी आवश्यकता होती है उसको वहीं पे उसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम इसमें देख सकते हैं कई बार लंबे लंबे फ्लोट्स भी पीछे से देखे जा सकते हैं। तो कई रंगों के साथ बुनाई की एक विधि है जिसमें रंग के प्रत्येक क्षेत्र के लिए यान की एक अलग लंबाई या गेंद का उपयोग किया जाता है, जैसा कि काम के पीछे अलग अलग यान के लिए किया जाता है। इंटर्सिया एक बुनाई तकनीक है जिसका उपयोग कई रंगों के साथ पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। एक ही नाम की वुड वर्किंग तकनीक के साथ विभिन्न रंगों और सामग्रियों के क्षेत्र एक दूसरे से जड़े हुए दिखाई देते हैं, एक पहेली की तरह ये एक साथ फिट होते हैं। इसमें जैसे इनलेड वर्क का काम होता है, ऐसे लगता है कि उसके अंदर उस पिक्चर को हमने फिट कर दिया है। सिक्स्थ इज एंट्रोलैक नेटिंग है। आर्किटेक्चर वर्क होता है, एक तरह से ही दिखाई देता है। द आर्किटेक्चर ऑफ एंट्रोलैक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ निटिंग। एंट्रोलैक फैब्रिक इज कम्पोज ऑफ टायर्स ऑफ ब्लॉक्स दैट आर सेट ऑन द पॉइंट्स फॉर्मिंग डायमंड शेप्स, एंड ईच ब्लॉक इज वर्कड इंडिविजुअली एंड जॉइंट टू इट्स नेबर एज इट इज बींग नेट। एंट्रोलेक की वास्तुकला बुनाई के अन्य प्रकार से अलग है। एंट्रोलेक फैब्रिक ब्लॉक के स्तरों से बनाया जाता है जो उनके बिंदुओं पर सेट होते हैं, हीरे के आकार का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक ब्लॉक को व्यक्तिगत रूप से काम किया जाता है और अपने समीप से वह जुड़ जाता है, क्योंकि ये वर्तमान में जब उसको बुनना हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हर ब्लॉक जो होता है वो अलग से निर्मित किया जाता है और फिर उसको वापस से पुनः दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ा जाता है। तो ये इसमें स्ट्रिप्स बना के इसको इंटरलेस नहीं किया गया है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए ही होते हैं, और इनको कभी तो हम इसको लंबाई में डायगनली बुनते हैं, कभी हम इसको आड़ा बुनते हैं। तो ये इस तरह से इसको बनाया जाता है। सेवेंथ इज शैडो और इल्यूजन नेटिंग है। Illusion knitting or shadow knitting is a form of a textile art in which the knitting is viewed as simple narrow strips from one angle and as an image when viewed from another angle. तो इसमें हम illusion knitting या shadow knitting textile art का एक रूप है जिसमें बुनाई को एक कोण से तो हम बस
संकीर्ण धारियों के रूप में इसे देखा जाता है और एक छवि के रूप में जब हम दूसरे कोण से इसे देखते हैं। तो शैडो और इल्यूजन नेटिंग होता है कि जब हम इसको सामने से देखते हैं तो हमें सिर्फ एक धारियाँ दिखाई देती हैं, और जैसे ही हम उसका एंगल बदलते हैं, उसका कोण बदलते हैं, तो हमें उसमें एक इमेज सी दिखाई देने लगती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन कवर है ये बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, इसमें लाल धारियाँ, पीली और काली धारियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही इसे हमने थोड़ा सा टिल्ट किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूलिप्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फूल दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं शैडो या इल्यूजन नेटिंग। और ये एक ही प्रकार की जो होती है स्टिच, जैसे हम कहते हैं गार्टर स्टिच या फिर कोई अन्य प्रकार की, तो उसी में ही इसको हम बना सकते हैं। थर्ड एट्थ है हमारा मोज़ेक नेटिंग। मोज़ेक नेटिंग में स्लिप स्टिच नेटिंग नेटिंग टेक्निक है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोज़ेक नेटिंग। मोज़ेक नेटिंग इज़ जनरली वर्कड इन नेट, नॉट पर्ल स्टिचेस ओनली एंड स्लिप स्टिचेस। इट प्रोड्यूसेज अ थिकर फैब्रिक देन जस्ट स्टॉकिंग स्टिच बट स्टिल हैज़ अ सॉफ्टनेस एंड ड्रेप। स्लिप सिलाई बुनाई, इस तकनीक को मोज़ेक बुनाई के रूप में भी जाना जाता है। मोज़ेक बुनाई आम तौर पर निट और पर्ल और या उल्टे टाँके में काम किया जाता है, नहीं किया जाता है, और टाँके छोड़े जाते हैं। ये सिर्फ स्टॉकिनेट सिलाई की तुलना में एक मोटा कपड़े का उत्पादन करता है, लेकिन ये बहुत ही नरम और इसका जो ड्रेप होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मोज़ेक में आप ये देख सकते हैं कि मोज़ेक में स्लिप स्टिच का सबसे ज़्यादा, यानी कुछ फंदे छोड़ के बनाए जाते हैं, पूरी पंक्ति में कुछ फंदे बिना बुने रह जाते हैं और फिर आगे हम निटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वस्त्र होता है वो थोड़ा मोटा बनता है, मोटा बनते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसकी जो ड्रेपिंग क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। नाइन्थ, कंबाइनिंग द स्ट्राइप्स एंड द पैटर्न्स। कई बार हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए हम पैटर्न का निर्माण करते हैं। जैसे केबल्स के साथ हम स्ट्राइप्स को यूज़ कर सकते हैं, कुछ केबल्स हम कुछ कलर्स में यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह का नेटिंग टेक्निक है। तो साइमल्टेनियसली कंबाइनिंग द स्ट्राइप्स एंड पैटर्न वाइल नेटिंग, बुनाई करते समय धारियों और पैटर्न को मिलाया जाता है या मिलाएं। आप यहाँ पे ये दोनों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनाया गया है। थैंक यू।